70,000 थोड़ा सा उठा के दिखाएगा इनको। कौन सा डॉग लेकर आए यार? इसका तो पता नहीं है नाम, इसका आपको पता नहीं है? नहीं भाई, ये पता है क्या डॉग है? वेरी। इसकी प्राइस क्या है? फीमेल की जो है वो 35,000 है, मेल की वो 40,000 जी। प्राइस तो सर 280,000 मांग रहे हैं। मार्केट में लगने 2300-2200 ऐसे लगे। पाँच मांग रहे हैं? ये फाइनल मैं कर दूंगा 4,500। 8,000 लग चुके हैं, नहीं दिया मैंने। 8,000 में नहीं दिया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद और मेरे कैमरामैन फ़राज़ मलिक आप लोग को विज़िट करवाने जा रहे हैं सदर संडे डॉग मार्केट में, जो कि हर इतवार को लगती है। यहाँ पर डॉग आते हैं सेल होने के लिए। यहाँ पर आप लोग को खासकर डॉग की प्राइस से अपडेट किया जाता है, लेकिन आज की सूरत हाल कुछ ऐसी है। आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे व्यूवर्स के रमज़ान मुबारक का ये सेकेंड संडे है, और इस तरफ भी देख सकते हैं आप लोग के मार्केट में रौनक नहीं है, और फायर ब्रिगेड के साथ जो जगह है बिल्कुल ये खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर जितने भी डॉग सेलर आते हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस वक्त एक दो ही डॉग सेलर मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग रोज़े रखने के बाद इतनी तेज़ कड़कती हुई धूप को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये तो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रुक के थोड़े देर इंतज़ार करते हैं, ठीक है? उसके बाद जब डॉग सेलर आएंगे तो उनको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डॉग सेलर उनको कवर करते हैं, इसके अलावा साथ साथ इसके अंदर मुर्गों को भी इंक्लूड कर लेंगे ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए और आप लोग को वॉच करने में इन्जॉयमेंट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो चंद थोड़े बहुत डॉग सेलर थे वो पुलिस वाले यहाँ पे आ गए और उन्होंने मार्केट हटा दिए। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी, उनको यहाँ से हटा दिया गया। और अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है फायर ब्रिगेड के अंदर। और अभी तो यही सूरत हाल चल रही है कि यहाँ पे मार्केट लगने नहीं दे रहे। एक तो वैसी रोज़ है, ऊपर से मार्केट यहाँ पे लग नहीं रही, लोग कम आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो यहाँ से पुलिस वाले उनको मूव ऑन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन से लेकर आए? जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है, डबल कोट में। डबल कोट में जी। तो इनके पेरेंट जो है पेटीगरी नॉन पेटीगरी? इनका जो बाप है वो पेटीगरी है, इसकी जो माँ है वो नॉन पेटीगरी है। इनकी प्राइजेस क्या है? 70,000। थोड़ा सा उठा के दिखाएगा इनको। 70,000 पेयर के? जी पेयर के। अच्छा, मेल फीमेल है? मेल फीमेल है। और ये बताएंगे फाइनल कितने तक में देंगे आप? फाइनल 65 तक हो जाएगा। 65 तक होगा जी हाँ। और ये बताएं कि यहाँ पे मार्केट में क्या प्राइस लगे हैं? यहाँ पे 55 का लगे हैं, मैंने नहीं दिया था। आपने नहीं दिया? नहीं नहीं। चले ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टेक्ट नंबर। अली बलोच 0333-7338-730। वैसे 55 सही लगे था, आपको दे देना चाहिए था। वैसे यहाँ कस्टमर का है ना, मार्केट है ना, कस्टमर है। अगले दफा में खड़ा होना बेकार है, रोज़ा लग जाएगा। नहीं पहले भी आया था, सेल हो चुके थे मेरे। मैं खुद कोयटा से आया, यानी ज़्यादा मुनाफा कमा के जाना है। हाँ। टारगेट लेकर आया हूँ। चलें जो हो सके ख्याल कर लिएगा व्यूवर्स का, हो सकता है अगर मार्केट से सेल ना हो। जो आते हैं अगर अच्छा रेट लग जाता है मैं दे देता हूँ। जो हो सके आप कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ चाहिए। कौन सा डॉग लेकर आए? यार इसका तो पता नहीं है नाम, इसका आपको पता नहीं है? नहीं नहीं भाई, ये पता है क्या डॉग है? क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसका 30,000। अच्छा, 30,000 का पता है, डॉग का नहीं पता आपको? डॉग का भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं है ना पता। अच्छा, कहीं से लेकर आ रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, किसी दोस्त का है? ये दोस्त के दुकान से उठा है। अच्छा, दोस्त की दुकान से लेकर आ रहे हैं आप। अभी इसकी उम्र कितनी है? यार ये तो दोस्त को पता होगा, मुझे दोस्त को पता है। अच्छा, तो ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? आखिरी रेट? आखिरी 30,000 तक। आखिरी 30,000 है? अच्छा, इसको दिखाएगा निकाल के ज़रा कैमरे की तरफ, इसका फेस दिखाएं। लैब्राडोर है, चॉकलेट कलर में, और इसकी वैक्सीन हुई है? इसकी वैक्सीन हुई है? हाँ वैक्सीन हुई। वैक्सीन कार्ड है? भाई के पास है। भाई के पास है वैक्सीन कार्ड। चलिए अपना नाम बता दें, कॉन्टेक्ट नंबर बता दें आप। नंबर तो नहीं है, नाम अताउल्ला है। भाई का नाम क्या? भाई का नाम जानशेर। चलें, टाइम देने का शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। क्या लेकर आवा? ये तुर्किश कंगार है, ट्रिपल कोट के अंदर। क्या प्राइस है इसकी? इसके मांग रहा हूँ 10,000 रुपये। और इसकी उम्र कितनी बताना? ये अभी है 2.5 महीने का बच्चा है, क्वालिटी पेशाब ट्रेन है। अच्छा, इसकी वैक्सीन हुई है? वैक्सीन नहीं हुई हुई है, खाली पैदाइशी टीका लगाया हुआ है बस। पार्वो की डोज लगी है ना? नहीं नहीं लगी। नहीं लगा, कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, डिवॉर्मिंग? नहीं कुछ भी नहीं कराया, खाली पैदाइशी टीके लगाया। अच्छा, ये बताएं कि खाने पीने में क्या खाते हैं? ये चिकन खाता है और सुबह के टाइम दूध और रोटी देता हूँ बस। और ये बताएं कि फाइनल कितने तक में देंगे व्यूअर्स के लिए? 8,000 में दे दूँगा। 8,000 में देंगे?
आपके पास एक ही और भी हैं? फिलहाल तो एक ही है। चलिए अपना नाम बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर। जावेद अब्बासी मेरा नाम है, 03253540318। लोकेशन आपके? लोकेशन जी संडे को इधर ही आता हूँ, ब्रेड मार्केट। ठीक है, टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आपकी दुआ चाहिए, कौन सा डॉग लेकर आए? ये जर्मन शेफर्ड है। अच्छा, क्या प्राइस है इसके? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जी। अच्छा, नॉन पेडिग्री है? जी नॉन पेडिग्री है। और इसकी उम्र कितनी बता रहे हैं? इसकी उम्र 2 साल है। 2 साल इसकी उम्र है। वैक्सीन कंप्लीट है इसकी? जी वैक्सीन कंप्लीट है, और टांग में एक जख्म है। अगर आपका कोई व्यूअर शौकिया तौर पे लेना चाहे तो पैसों को नहीं देखते, हम बोलते अच्छे घर में चला जाए। तो ये बताएं कि इसको खाने पीने में क्या दिया जाता है? इसको वो मुर्गी के ढांचा जो होता है, हड्डियाँ और टुकड़े और रोटी देते। वैक्सीन वगैरह तो उसका कार्ड वगैरह है आपके पास? कार्ड तो नहीं है, इसी तरह वैक्सीन लगाई। दोबारा कब रिपीट हो गया? दोबारा उन्होंने बोला था जब 3 साल की होगी तो फिर जो है ना लगाएंगे वैक्सीन। आपके पास और भी है, सिर्फ एक ही है? नहीं, एक ही है कि शौक ही है, यहीं से ले गया था, आपकी वीडियो देख के शौक लगा था। तो अब शौक ख़त्म कर रहा हूँ? जी शौक ख़त्म कर रहे शिफ्ट कर रहे हैं ना घर। अच्छा, घर शिफ्टिंग हो रहा है जी, उसकी वजह से। तो जो भी हो सके व्यूवर्स के लिए कॉपरेट कर लिएगा, अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर। नाम मोहम्मद नबील है और फ़ोन नंबर 03-0313-2213-095। अच्छा, रहते कहाँ पर हैं आप? ये लांडी दाऊ चुरंगी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, टाइम देने का शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रजा? खैरियत से अल्लाह करम, आप सुना? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन कौन से लेकर आए? आज जर्मन शेफर्ड के पूरे पपी अवेलेबल हैं, पूरा पेयर है ये, ठीक है। फुल स्लोप स्लांट वाला है, लॉन्ग टेल के अंदर है, हर चीज़ की गारंटी है, हैवी बोन स्ट्रक्चर में। अगर पेरेंट्स रेल में देखने का बोलेंगे व्यूवर्स, तो इंशाल्लाह हैदराबाद में उनको पेरेंट भी दिखा देंगे। अच्छा, ये पिशावर वाले बच्चे नहीं है जो पिशावर से आते हैं, ये जो है ना प्योर जर्मन शेफर्ड हैं, ठीक है ना, अपने शहर के ही हैं, हैदराबाद के। बच्चन की प्राइस क्या है? सर प्राइस इसकी मेल फीमेल की जो है वो 35,000 है, मेल की वो 40,000 है। इंशाल्लाह इसमें जो डिस्काउंट होगा ना आपके व्यूवर्स को करके देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे व्यूवर्स को। इसके अलावा हस्की का बता? ये हस्की की ओड है, इसके अंदर फीमेल है ये, माशाल्लाह से फुली ट्रेंड है, फुली ट्रेंड फीमेल है ये। हैंडशेक वगैरह, सिट बोलने पे बैठना, सब चीज़ जो है ना माशाल्लाह से सुनती है ये। जेरी हैंडशेक, जेरी। इसकी प्राइस क्या? सर इसकी 35,000 है, लेकिन इसमें भी इंशाल्लाह अगर कोई व्यूवर्स आता है बाय करने के लिए तो फुल डिस्काउंट के साथ देंगे। चलें, जो हो सके रहा है व्यूवर्स का ख्याल कीजिएगा। फ़ोन नंबर बता दें, 03133171024। लोकेशन हैदराबाद। अच्छा रजा, ऑल डॉग ब्रीड्स अवेलेबल हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। ये बताएं कि यहाँ का कराची का मौसम ज़्यादा गर्म है हैदराबाद का कैसा? अभी तो एक जैसा ही चल रहा है दोनों, एक जैसा ही चल रहा है, जैसा है। बाकी ये है कि हैदराबाद में शाम में जो है ना थोड़ा सुकून हो जाता है, हवा चल जाती है ठंडी। कराची में सुकून नहीं है? कराची में असल में जो है ना दोनों टाइम एक जैसा, और यहाँ की हवा वो चिपचिपी है काफ़ी। यहाँ से जाते हैं मैम? हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे 2:30 बजे, चले जाएंगे, फिर हम पौने 2-1.5 घंटे के अंदर जो है ना हैदराबाद पहुँच जाते हैं। फिर आपको कराची के शाम का कैसे पता? कराची की शाम हम पिछले इतवार जो है ना काफ़ी लेट गए थे इधर से। अच्छा, हम यहाँ से निकले थे 8:30 बजे, तो इस वजह से जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले इतवार को इस इतवार से भी सुकून नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ दिन भी एक जैसा ही है, रात भी एक जैसी है इधर। चलिए ठीक है रजा, व्यूवर्स कांटेक्ट करें जो सके, आपने ख्याल करना है, टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत मेहरबानी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? फरियाद साहब, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। कौन कौन से डॉग लेकर आए? सर ये मेरे पास दोनों जर्मन शेफर्ड और हस्की के क्रॉस हैं, बहन भाई हैं, 8 मंथ्स के हो गए हैं। उनकी प्राइस क्या है? ये 75 मैन की डिमांड कर रहा हूँ। पेयर की? पेयर की। इनकी वैक्सीन कम्प्लीट है? हाँ, वैक्सीनेशन इनकी 3 वैक्सीनेशन जो थी वो हो गई हैं, उसके बाद वाली नहीं कराई मैंने। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है? ये 8 मंथ्स के हो गए हैं, 8 मंथ्स 20 डेज़ के हैं। खाने पीने का इनका रूटीन क्या? इनको मैं चिकन वगैरह देता हूँ, बॉयल चिकन, उसके साथ रोटी और चावल वगैरह। चलें, जो हो सके व्यूवर्स का ख्याल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशली डिस्काउंट होगा। कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, नाम बता दें। 03082364436 मोहिब नाम है मेरा। चलें, टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। जी रजा, कौन सा डॉग लेकर आ गए? सर ये रशियन का मेल है, ठीक है, 6 से 7 मंथ्स का है। यहीं से खरीदा या हैदराबाद से आया? नहीं, हैदराबाद से, ये आया कराची से ही। कराची से ही आया जी, ये कराची से। इसकी प्राइस क्या है?
तो ये जो है ना सर, इसकी प्राइस वैसे तो 16,000 कर रहे हैं, 16,000 रुपये, लेकिन इंशाल्लाह ये भी फुल डिस्काउंट के साथ देंगे। और ये प्योर है बिल्कुल, पॉकेट साइज के अंदर लॉन्ग कोट, ठीक है। मेल उम्र कितनी बताई रजा आपने? इसकी सिक्स मंथ्स इसकी वो है। और इसकी वैक्सीन हुई है? सब कंप्लीट है इसकी वैक्सीन वगैरह। और व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट है? इंशाल्लाह फुल डिस्काउंट के साथ देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। प्राइस क्या बताइए आपने? प्राइस 16,000 रुपये। चलें ठीक है, जो सके व्यूवर्स से खाली कीजिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से? ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र आपको। कौन सा लेकर आए? चाओ चाओ। सब बिल्कुल प्योर है? जी प्योर है। तीन बेबी थे, दो सेल हो गए, आखिरी रह गया, तीनों मेल थे। जी प्राइस तो सर 2,80,000 मांग रहे हैं। 2,80,000 मांग रहे हैं? पाकिस्तानी नहीं है ये, इंपोर्ट हुए हैं बच्चे। इंपोर्ट हुए बच्चे हैं जी, ठीक है। और ये बताइए इसकी डाइट क्या है? डाइट चिकन चावल ही दे रहे हैं, अब मौसम देख रहे हैं आप तो, मौसम की वजह से डॉग फूड नहीं दे रहे, चिकन चावल दे रहे हैं। और वैक्सीन वगैरह तमाम चीज़ें इसकी कंप्लीट कंप्लीट हैं? डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, बनवाए। इसके फादर आपने देखे थे पिछले आपकी वीडियो में थे, इसके फादर उसी के बेबी हैं। वो सेल कर दिया आपने? जी वो सेल कर दिया। अच्छा, ये व्यूवर्स के लिए क्या हो जाएगा इसमें? सर आपका व्यूवर्स कोई आएगा तो कमी पेशी बहुत हो जाएगी। कमी पेशी हो जाएगी? चलें ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर बता देना। 0348-2353-639 शहरी मेरा नाम है, अगर किसी को चाहिए होगा। लालू के 10 नंबर पे मेरी लोकेशन है। वैसे आपके भाई लास्ट पपी बचा? लास्ट पपी बचा, दो सेल हो गए। चलें ठीक है शहरी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मुर्गा लेकर आ गए? यार ये मियाँ वाली है पंजाब का। मियाँ वाली है पंजाब का, क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसका मैं 5 मांग रहा हूँ। इसके 5 मांग रहे हैं जी। और इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 1.5 साल। और वज़न में कितना है? वज़न में 2.5 किलो तक है। हाथ हटाए, इसकी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही। और ये फाइनल कितने तक में देंगे आप? ये मैं दे दूँगा 4.5 तक फाइनल। मार्केट में एक ही मुर्गा लेकर आए थे आप? बस एक ही लाया था। अभी तक सेल नहीं हुआ है? नहीं अभी तक सेल नहीं हुआ। हो जाएगा, एक ही मुर्गा लाते हैं जी? बिल्कुल सेल हो जाता। सेल हो जाता? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। लाते कहाँ से आप? मैं लाता हूँ ये बथाई लैंड। नाम बताएं मुझे, फ़ोन नंबर। वसीम मेरा नाम है और नंबर मेरा 0340-4756-120। ठीक है, टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बाबा जी? खैरियत साहब? शुक्र है मालिक का, अल्लाह का एहसान है। कौन सा मुर्गा लेकर आए? ये पीले कलर का है, जागीर का है। अच्छा जागीर है। हाँ। क्या मांग रहे हैं इसके आप? 10,000। 10,000 मांग रहे हैं? अच्छा ये बताएं इसकी उम्र कितनी है अभी? 2 साल का है। 2 साल का? और वज़न में कितना है? 2.5 किलो है। और ये बताएं यहाँ पे क्या रेट लग रहे हैं अभी? 6-7 बोल के गए, नहीं दिया है। तो आपका क्या इरादा है, कितने तक में देंगे आप? 8 तक देंगे। 8 तक देंगे? 8,000 की कीमत वाला मुर्गा है ये? हाँ ये तो 50,000 का। अच्छा। जो लड़ा है ना फिर 50-40 का है। लड़ाई करी है इसने? नहीं लड़ाई नहीं करी इसने, पहली दफ़ा लड़ेगा। और हमारे देखने वालों के लिए क्या कमी पेशी करेंगे आप? 8 से कम नहीं दूंगा। 8 से कम नहीं देंगे आप? और भी आपके पास सिर्फ एक ही है? एक ही है। अच्छा अपना नाम बताएं, फ़ोन नंबर। नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, 0300-34-23-176। अच्छा आए कहाँ से आप? लारकाना। चलें टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से आप? कौन सी नस्ल का मुर्गा लेकर आगा आप? जागीरी है। जागीरी है, उसे क्या मांग रहे हैं आप? 15,000। 15,000 मांग रहे हैं? और ये बताएं इसका वज़न कितना? अभी तो बच्चा ही है, 9 महीने का पट्टा है। 9 महीने का पट्टा है? हाँ। नहीं इसका वज़न कितना है, वेट में वजन कितना? वज़न ये होगा मेरे ख्याल 2-2.5 किलो करीब। 2-2.5 किलो इसका वज़न है। और ये बताएं कि फाइनल कितने तक में देंगे आप ये मुर्गा? 8,000 लग चुके हैं, नहीं दिया मैंने। 8,000 में नहीं दिया? नहीं दिया। तो ये बताएं मिनिमम कितने तक में देंगे? क्या रहा था आप घर से कोई माइंड तो बना के निकलेंगे कि यार इतने तक में सेल करके आ जाऊँगा? 10 तक का निकाल लें। 10 तक में निकालेंगे? अच्छा और कहीं से खरीद के ला रहे हैं घर का पलाव है? घर का पलाव। घर का पलाव है तो हम मार्केट में ला के सेल क्यों कर रहे हैं? बस अभी ज़रूरत पड़ गई थी इससे निकाल दिया। ज़रूरत पड़ी इसलिए आप सेल कर रहे हैं? शौक की चीज़। यानी एक ही मुर्गा आपके पास? नहीं नहीं और भी। और भी अगर कोई कांटेक्ट करेगा, रब्ता करेगा तो आप और भी दिखा देंगे? दिखा दें। चलें ठीक है, अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। रियाज नाम है मेरा, फ़ोन नंबर 0322-375-8848। रहते कहाँ पर हैं आप? आदम बस्ती। चलें ठीक है, टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मुर्गा लेकर आया? नीचे छोड़िए, नारंगी है, चम रहे हुए हैं। अच्छा क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसका 4,000 रुपये मांग रहे हैं। 4,000 मांग रहे हैं? अच्छा वज़न में कितना है ये? वज़न में तकरीबन 2 किलो है। और इसका इसकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 1.5 साल है। आपके पास और भी मुर्गे हैं? सिर्फ यही है? और भी है, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ये फाइनल कितने तक में देंगे आप?
फाइनल ये 3,500 रुपये में हो गया। घर का पला हुआ या कहीं से खरीद के ला रहे हैं? नहीं नहीं घर का पला हुआ है। चले मेरा नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। इमरान नाम है मेरा, नंबर मेरा लिख लिया 03013453 03013436828। रहते कहाँ पर हैं आप? श्री जना कॉलोनी। चलें ठीक है, टाइम देने का शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। कौन सा मुर्गा लेकर आए? कुलिया है भाई जान। क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके 3 मांग रहे हैं। 3,000 मांग रहे हैं जी। अच्छा, इसका वजन कितना और इसकी उम्र कितनी है? तकरीबन 4 किलो वजन होगा, 3.5-4 किलो। अच्छा, और इसकी उम्र? उम्र होगी 1.5 साल। इसे काटे काफ़ी बड़े हो गए। मेरा फोकस करना है, दिखाना। अच्छा, ये फाइनल कितने तक में देंगे व्यूवर्स के लिए? 2500 रुपये। 2500 रुपये। मार्केट में क्या प्राइस लग गए यहाँ पर? मार्केट में लगने 2300-2200 ऐसे लग रहे। चलें, अपना नाम बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर। अब्दुल लाफे। फ़ोन नंबर आपके पास? फ़ोन नंबर में। रहते कहाँ पर हैं आप? यहाँ पे रहते हैं लाइन दे रही हम। चलें ठीक है, टाइम लगेगा, शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। कौन सा मुर्गा लेकर आए? यह ये प्योर जाओ है। क्या मांग रहे हैं इसके आप? ये इसके आप डिमांड कर रहे हैं 6,000। अच्छा, ये लड़ाकू है? लड़ाई करी है इसने? लड़ाई करी है, 2 बाजियाँ लड़ी। अच्छा, तो जीता था या हारा था? जीता है, दोनों जीता है। दोनों जीता है। इसके पैर पे आपने क्या लगाया हुआ? पैर पे ग्रीस लगाया हुआ, इसको चंडी हुई हुई, पैर थोड़े ख़राब है। पैर थोड़े ख़राब है। तो ये कितने का दे रहा हम? ये फाइनल मैं कर दूँगा 4,500। 4,500 का। वजन में कितना है? तकरीबन 2 से 2.5 किलो। चले ये बता दें कि व्यूवर्स के लिए क्या हो जाएंगे फाइनल? आपके व्यूवर्स के लिए 4,000 कर दूँगा। 4,000 में देंगे, ठीक है। अपना नाम बताएं, फ़ोन नंबर। अवेज़ नाम है, फ़ोन नंबर 03046212341। चलें, टाइम देने को शुक्रिया, जजाकल्ला। ठीक। तो व्यूवर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्गे की जो मार्केट है वो भी कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी मुर्गे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे और लोग मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो यहाँ पे ख़रीदार ही नहीं है। ख़रीदार होंगे तो यहाँ पे बेचने वाले आएंगे ना, ख़रीदार बहुत कम है यहाँ पे। ख़रीदो फ़रोख का अमल हमें होता हुआ नज़र नहीं आया, ज़्यादातर तो ये लोग बैठे हुए नज़र आए, और जो मुर्गे थे वो आपको दिखा दिया। तो व्यूवर्स, ये है सूरत हाल सदर संडे डॉग मार्केट की। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब एक तरीके से सन्नाटा ही है मार्केट में। डॉग भी कम है, ख़रीदार भी कम है। इसके अलावा बैक साइड पे देख सकते हैं, सुबह में तो पुलिस वाले भगा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत मार्केट लगी, लेकिन वैसी नहीं लगी जैसे लगनी चाहिए थी। जो डॉग थे कवर कर लिए हमने, इसके अलावा हमने मुर्गे भी कवर कर लिए, ताकि आप लोग को मुर्गी की प्राइस से भी अंदाज़ा हो जाए। लेकिन मुर्गी की साइड पर गए तो वहाँ पर भी लोग कम आए थे। रमज़ान मुबारक के महीने की वजह से लोग कम आते हैं मार्केटों के अंदर। इसके अलावा कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, जिसकी वजह अगर आप लोग को पता है कि हर बंदा धूप में निकलते हुए अवॉइड करता है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से कवरेज करते रहेंगे, आप लोग को डॉग की, बर्ड्स की, तमाम चीज़ों की प्राइस अपडेट रखेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।